नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीरा स्थान। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आज की सबसे बड़ी बहस यानी कि न्यूज एंड व्यूज का। सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए सियासत ने अक्सर गाय को सहारा बनाया, केंद्र में रखा, गाय के नाम पर वोटों की झोलियां भरी गई। सड़क से लेकर संसद तक गाय का मुद्दा गूंजता रहा। आज फिर राजस्थान की विधानसभा में गाय की गूंज सुनाई दी। गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने वीर सावरकर की किताब का हवाला देते हुए गाय पर विवादित बयान दिया। कहा, गाय की पूजा करने का कोई सेंस नहीं बनता। जिसके बाद सूबे में सियासी पारा गर्मा गया। अब सवाल यह कि हिंदुत्व शब्द की उत्पत्ति सावरकर साहब की कलम से निकली थी, उन्हीं के शब्दों को कोट करके कांग्रेस आखिर कहना क्या चाहती है, और सवाल यह भी कि कांग्रेस बीजेपी पर जो आरोप लगा रही है उसमें कितना दम है, कितनी सच्चाई है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या इस तरीके के विवादित बयानों से नेताओं को बचना नहीं चाहिए, या धारीवाल के इस बयान से हिंदुओं की भावनाओं को चोट नहीं पहुंची, ठेस नहीं पहुंची। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। गाय पूजने में कोई सेंस नहीं है। नाम से पहले शांति, लेकिन विधानसभा में शांति धारीवाल के बयान से शोर मच गया। बात कैसी थी, किसने कही थी, शब्द किसके थे, कहां लिखे थे, ये अलग बात है, लेकिन जुबान शांति धारीवाल की थी। गाय की पूजा नॉनसेंस है। जैसे ही शांति धारीवाल की जुबान से ये विवादित वाक्य निकला, विपक्ष ने सिर पर सदन उठा लिया। गाय के बारे में बोले वो कि गाय हाईली यूजफुल जानवर है, लेकिन उसको पूजने में कोई सेंस नहीं है। पूजा जाता सुपर ह्यूमन को पूजने में सेंस है, किसी जानवर को पूजने में सेंस नहीं है। वीर सावरकर की किताब का हवाला देते हुए सदन में शांति धारीवाल एक एक पन्ना खोल रहे थे, बता रहे थे कैसे हिंदू की परिभाषा बदली, कैसे हिंदू मुसलमान में झगड़ा होता है। सावरकर जिन्होंने एक हिंदुत्व नाम का एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ से ही देश में हिंदू महासभा की स्थापना हुई और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। हिंदू की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कह दिया हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये चीजें जब आपके मुंह से ये कहा जाता है बाजारों में कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा, यही झगड़ा पैदा करती है। शांति धारीवाल के बयान के बाद सियासत में अशांति फैल गई। ज्ञानदेव आहूजा ने शांति धारीवाल के बयान को हिंदू धर्म विरोधी बता दिया। शांति धारीवाल का एक वक्तव्य आया है, भगवान लंबी उम्र दे, घुटने तक रगड़े श्री अशांति धारीवाल। शांति धारीवाल एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए गाय के बारे में इतना हल्का बोलना, इतना गंदा बोलना, सनातन धर्म का विरोध, हिंदू धर्म का विरोध। शांति धारीवाल के बयान से मचे बवाल पर कांग्रेस के परिवहन मंत्री ने मोर्चा संभाला। कहा, पूरी बात समझिए, ये शब्द शांति धारीवाल जी के नहीं है। जो धारीवाल जी ने बात कही उसकी आप पूरी बात नहीं सुने। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने ऐसा कहा है, उन्होंने दूसरी पुस्तक का हवाला देते हुए कहा, वो धारीवाल जी के शब्द नहीं है। और ये बीजेपी के लोग जो बार बार गोमाता की बात करते हैं, गोमाता के लिए सारी पॉलिसी हम लेकर आए। बयान कैसा था कैसा नहीं, ये बहस का मुद्दा है, लेकिन सवाल ये कि सदन में जनता के मुद्दों के बजाय इस तरीके से बयानों से क्या फायदा। क्या गाय के बयान से जनता का भला हो जाएगा, रोटी कपड़ा मकान मिल जाएंगे, और इन सब के बीच बड़ा सवाल ये कि क्या शांति धारीवाल के बयान से हिंदुओं की आस्था को चोट नहीं पहुंची है। किसी जानवर को कूदने में सेंस नहीं है। विष्णु शर्मा के साथ शशि मोहन शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। सोचिए, हिंदुत्व के जनक जिनका ये कहना था, जैसा कि शांति धारीवाल ने कोट करके कहा कि गाय को पूजना नॉनसेंस है, पूजा करनी है तो सुपर वुमेन की करो, जिसके जरिए कम से कम एक संदेश आए, यही सवाल पूछेंगे आज। चर्चा करेंगे, हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ गए, एक ही करके परिचय करवाते, सीधे पर चलेंगे सवालों पर। ओम सैनी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ है। अमित गोयल साहब है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर जयंती लाल खंडेलवाल है, इतिहासकार है, और अजय टोंडिया साहब है, संघ विचारक है। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा, चूंकि जिस तरीके से अभी
सबको पता है कि हिंदुत्व ग्रंथ उन्होंने लिखा, हिंदुत्व शब्द की उत्पत्ति की, हिंदुत्व की जो परिभाषा होती है उसको गढ़ा, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि हिंदुत्व उनकी अलग थी सोच और जो मौजूदा बीजेपी कांग्रेस है ये अपने हिसाब से राजनीति कर रही, हिंदुत्व को बदल दिया है। क्या सच्चाई है? क्या वाकई में कांग्रेस जो कह रही है, धारीवाल जो कह रहे हैं वही सच है? सर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर हम शुरुआत हिंदुत्व शब्द से कर रहे हैं तो हमें अभी यही नहीं मालूम कि हिंदुत्व का अर्थ क्या होता है। हम अपने अपने तरीके से अपने अपने विचार धार लेते हैं। जैसे कोई एक हाथी हो और सात अंधे उसको छू रहे हो, कोई हाथी की सूंड छूता है तो उसको बोलता था हाथी इस प्रकार सा लचीला होगा, कोई इसका पांव पकड़ता है तो उसको लगता है हाथी इस प्रकार से मोटा मोटा कोई खंबा सा होगा, कोई इसका पूंछ पकड़ता है तो उसको लगता है कि हाथी शायद इस प्रकार से कोई नरम चीज होगी। किंतु व्यवहारिकता यह है, हिंदुत्व की व्याख्या आप कर ही नहीं सकते। ये इतना विचार महानतम शब्द है अपने आप में कि जिसकी व्याख्या खुद यहाँ के ऋषि मुनि नहीं कर सके, आप और हम क्या करेंगे। वास्तव में अगर मनुष्य कहीं पैदा होता है वो परिवार और समाज के साथ जुड़ता है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सर एक मिनट सुन लीजिए, सावरकर को साफ हो जाएगा आपका। नहीं, बहुत समय नहीं होता ना सर, इसीलिए एक घंटे डेढ़ घंटे की डिबेट नहीं होती, आधे घंटे में बातों को समेटना होता है। नहीं, अगर हिंदुत्व सावरकर ग्रंथ से धारीवाल जी ने यह कहा है हिंदुत्व कि उन्होंने ये गाय को पूजने के लिए मना किया था, शायद उन्होंने उस किताब को पूरा पढ़ा नहीं। इस किताब में उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि पहले गाय को तो बचा लो फिर तो उसकी पूजा करो। उसका जो सही अर्थ था वो उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने उस लाइन को पढ़ करके और उनको शायद कोई मसाला मिल गया और जो एक विशेष कम्युनिटी को खुश करने की बात थी उन्होंने कह करके वाहवाही लूट ली होगी अपने पार्टी में शायद। किंतु जिसको वो जानवर कह रहे हैं, दुनिया का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है। अजय टोड़िया जी करके दिया हो। सावरकर का कहना था कि अगर आप गाय का अधिकतम उपयोग करना चाहते तो इसको भगवान बनाना छोड़े, भगवान मानना छोड़े। क्या ये उनकी किताब में नहीं लिखा है? ये उनके शब्द नहीं थे और उसी बात को कांग्रेस उठा रही है? नहीं, ये ठीक है, हर आदमी अपने अपने तरीके से अपना अपना विचार रखता होगा। कांग्रेस को अगर वीर सावरकर आज इतने अच्छे लग रहे हैं तो आठवीं क्लास से उसके कोर्स में से उसके सब्जेक्ट क्यों हटा दिया उन्होंने? वो पढ़ाते हैं उनको, आज वो वीर सावरकर उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं और जब उनके बारे में राष्ट्रभक्ति की बात छात्रों को पढ़ाई जाती है तब कांग्रेस को यही वीर सावरकर बहुत बुरा लगता है और उसके सब्जेक्ट तक उन्होंने आठवीं क्लास के कोर्स से हटा दिया क्यों? ठीक है, ओम सैनी साहब, मैं चाहूंगा जवाब इसका दीजिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही कि सावरकर ने कुछ और कहा था। बीजेपी और आरएसएस, आज की बीजेपी आरएसएस अपने हिसाब से सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने के लिए चीजों को बदल रही है, हिंदुत्व का मतलब बदल रही है, गाय के रक्षा का मतलब बदल रही है, हर एक चीज अपने हिसाब से कर रही और माहौल बिगाड़ रही, झगड़ा पैदा करवा रही। संजय, इसमें कोई शक नहीं कि हिंदू फिलॉसफी और हिंदू दर्शन बड़ा तार्किक है और तर्क के अलावा किसी चीज को स्वीकार नहीं करता और उसके आधार है वेद और उपनिषद। ये आस्थाओं वाले सवाल हैं जो अपने समाज के साथ में जुड़े हुए हैं, जो कालांतर में यूं स्थापित होते गए जैसे कि आजकल है। लेकिन ये तय है कि हमने वृक्षों की, पशु पक्षियों की और लोगों की जिस तरीके से जिन्होंने भी जो भी उपयोग किए मानव समाज के लिए उसको बड़ा सम्मान दिया है। गाय चूंकि हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था रही है, इसमें गाय का बड़ा महत्व था और गाय धन के रूप में समझा जाता था। जितने भी जिसके पास में जितनी ज्यादा गाय होती थी वो धनी हुआ करता था, मनी की तरीके समझा जाता था। ये जिसको स्थापित किया है कि गाय बड़ा पूजनीय है, लेकिन जो सावरकर कह रहे हैं वो भी सच है, इसमें कोई शक नहीं। सावरकर ने एक बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, वो किसी की आस्था को अपमानित नहीं करना चाहते थे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सावरकर की सारी जितनी भी चीजें स्थापित की हुई बड़ी उचित हैं और उसको उनका अनुकरण करना चाहिए। लेकिन ये बात ऐसी थी जिसको कि संभवतः है जिन्होंने हिंदू महासभा की रचना की, जिन्होंने संघ की रचना की, उन सब लोगों को अच्छा लगना चाहिए था, क्योंकि एक वक्त में हेड गवारकर सचिव थे और ये प्रेसिडेंट हुआ करते थे हिंदू महासभा के। तो ऐसी स्थिति में जिन्होंने आरएसएस को रचा है, अगर उनके रचयिताओं में से एक कोई बोल रहा है तो लेकिन जिस तरीके से शांति ने बात रखी है धारीवाल साहब ने, वो एक जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें निश्चित रूप से आस्था पे चोट लगने वाली बात जो इस तरीके जो स्थापित कर रहे हैं कि गाय पूजनीय है, गौरक्षक उसके माध्यम से खड़े हुए हैं पूरे देश के अंदर, और जो लीचिंग वाले सारे दृश्य बने हैं वो भी उनके लिए जन्म जिम्मेवार हैं, तो ऐसे में वो गौरवान्वित करना चाहते हैं। और ये बुरा लगा शायद भारतीय जनता पार्टी को, जबकि ये बात अगर सहज रूप से कही जाती और अगर एक फैक्ट के रूप में बताई जाती तो मेरा ख्याल है कि कोई गलत बात नहीं थी।
नहीं सैनी साहब, बात यह है कि शांति धारीवाल ने अपने कहा शब्द बोले, उन्होंने तो कोट करके बोला ना कि इस किताब में ऐसा ऐसा लिखा है, पढ़ के बता दिया। ठीक है अमित गोयल जी, उसी किताब का एक हिस्सा है ईश्वर सबसे ऊपर है, अंदाज़े बयां बहुत अलग किस्म का होता है। ईश्वर सबसे ऊपर है, फिर इंसान आता है, उसके नीचे जानवर है। और एक ये भी लाइन कोट है कि गाय भी एक जानवर है जिसके पास मनुष्य से कम बुद्धि। अगर हम गाय को ईश्वर मानते हैं तो ये इंसान का अपमान होगा। आज उल्टा है, क्योंकि सरकार के सामने, किसी भी व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर मॉब लिंचिंग जैसी घटना होती है, गाय के नाम पर, किसी और चीज के नाम पर भीड़ किसी को मार देती है, तो सवाल इस लाइन पर चरितार्थ होता है कि इंसान को पहले बचाया जाए या फिर जानवर को या फिर गाय को बचाया जाए। आज उल्टा हो रहा, अगर सरकार की भूमिका के तौर पर धारीवाल ने इन बातों को कोट किया है तो क्या वाकई में इस पर हंगामा होना चाहिए? इस पर गंभीरता से सोचना नहीं चाहिए? देखिए मैं आपको बता दूं संजय भाई, जिस सरकार की या जिस पार्टी के नेता केरल के अंदर सरेआम चौराहे पर गाय को काटकर उसको पकाकर खाते हों, उसके मंत्री से इससे अपेक्षा की भी नहीं जा सकती है। शांति धारीवाल कोई संत ऋषि मुनि नहीं है, संत ऋषि मुनि नहीं है, तो कम से कम उनको अगर अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो अपनी जबान बंद रखनी चाहिए। जरूरी नहीं हर चीज पे बोला जाए, आपको जानकारी नहीं होता। दूसरी तीसरी बात बताऊं आपको, बाद में उन्होंने कहा सावरकर जी ने ये कहा, ये नए सावरकर जी के नए नए भक्त बने होंगे, वो कहता है नया नया मुल्ला अल्लाह ज्यादा करता है, तो पहले पूरा पढ़ना चाहिए सावरकर जी को, पूरा पढ़ लेंगे शायद दिमाग के जो चक्षु हैं खुलेंगे उनके। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारे धर्म के अंदर तीन प्रमुख देवताओं की पूजा होती है, हिंदुस्तान की बात कर ले या सनातन धर्म को मानने वाले, एक होती है भोलेनाथ शिव शंकर की, जिनके साथ हमेशा नंदी बैल रहता है। दूसरी बात अगर हम करते हैं भगवान श्री राम की, तो उनके पूर्वज थे दिलीप। दिलीप ने गाय की रक्षा के लिए अपने आप को बिल्कुल शौर्य के सामने समर्पित कर दिया था कि तुम मुझे खा ले, लेकिन इस काम देनु गाय की पुत्री नंदिनी को छोड़ दे, नंदिनी गाय को छोड़ दे, क्योंकि मैं इसकी रक्षा का वचन दे चुका हूँ। तो उस अपने जो रामायण को भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हम पूछते हैं, उनके पूर्वज का ये इतिहास है। अगर आप बात करें किस भगवान श्री कृष्ण की, उनको गोपाल नाम दिया गया, कारण है कि वो गोपाल गो को पालते थे, वो गो को जिसे कहते हैं गाय को मैया के समान, गो माता का अगर किसी ने पूरे वर्ल्ड में इसको स्थापित किया है तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भूमिका है। अब हमारे देश के अंदर गंगा मैया बोलते हैं हम नदी को, आज कुंभ के अंदर 30 करोड़ लोग हैं, कल वो धारीवाल साहब तो कह देंगे भाई वो तो पानी है, उसकी उपयोगिता हो सकती है, यही नहा लो, नहा जाके नहाने की क्या जरूरत थी? तो उनकी किसी बात का लॉजिक नहीं। हम तुलसी की पूजा करते हैं, और मैं आपको बता दूं धारीवाल साहब को अच्छी तरह समझा दीजिए, आप ही पहुंचाइएगा मेरी बात को, गोयल साहब हमारा उनका समय आ जाएगा और ऊपर पहुंच जाएंगे। मुझे पता था कि आज की जो बहस होगी वाकई में गर्मा गर्म होगी और तमाम चीजों को लेकर जो इतिहास है या जो तथ्य उनको लेकर सामने आएगी। ये बताइए कि जो धारीवाल साहब ने कोट किया है, जो धारीवाल साहब ने कोट किया, क्या वो लाइनें गलत है? क्या सावरकर साहब ने अपनी किताबों में इन बातों का जिक्र नहीं किया? क्या मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने जनता के सामने रखा, विधानसभा के पटल पर रखा, क्या वो बातें गलत हैं? आप मेरी बात सुनिए संजय भाई, महाभारत के अनुशासन पर्व में 80 दोहे सिर्फ गाय के ऊपर है। गाय का और हिंदुत्व का उतना ही रिश्ता है या संबंध या महत्व है जिस तरह इस शरीर के अंदर खून का महत्व है। ये मान के चलिए हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है, सारे ऋषि मुनियों का वास होता है। नहीं सर, ये बताइए ना, मैं जो लाइन पूछ रहा हूँ सर वो छोड़िए, हिंदू गीता और तमाम चीजों को अभी छोड़िए सर, और शांति धारीवाल तमाम चीजों को छोड़िए सर, लेकिन ये बताइए जो सावरकर साहब ने लिखा है अपमान करके आया, जो सावरकर साहब ने लिखा है सर, उस बात को लेकर आप लोग क्या उस लाइन पर चलते हैं क्या? अब तो सवाल ये हो गया ना, आप कह रहे हैं कि वो नए भक्त बन गए, इसका मतलब सावरकर साहब का हिंदुत्व अलग था, आप लोगों का अलग हो गया, जो कांग्रेस कहना चाहती है वो सही हो रहा? बदनाम तो मत करिए कम से कम। बदनाम सर कोई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ लाइनें पूछ रहा ना, ये पूछ रहा कि जो उन्होंने लिखा क्या सही था? क्या आप लोग मानते हैं क्या उस बात को? गोयल साहब आप सही सवाल अभी है, आवाज कट गई, जो लाइन उन्होंने कोट की है वो सही है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अच्छा ठीक, हेलो, उनका अपना विचार हो सकता है, शायद आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर जयंतीलाल खंडेलवाल साहब, मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इतिहास क्या कहता है, सावरकर साहब ने क्या लिखा था? क्या मौजूदा बीजेपी और आरएसएस वाकई में उससे अलग चल रही, कांग्रेस जो कह रही है वो सही है, या कांग्रेस जानबूझकर इस तरीके की बात कह रही है ताकि समाज में जो बीजेपी आरएसएस की पैठ है उसको उखाड़ा जा सके? पहली चीज तो ये है कि शांति धारीवाल जी ने जो बात बोली है, आवाज नहीं आ रही है, बोलू ना, आ रही सर आपकी आवाज आ रही है, शांति धारीवाल जी ने जो बात बोली है
जो बात बोली है वो अधूरी बोली है। हाँ। अब हमें समझना होगा कि सावरकर जी ने गाय के संदर्भ में जो विचार प्रकट किए, हाँ, उसके आगे का स्थिति ये थी, हाँ, कि यदि कोई दुश्मन गाय, हाँ, मंदिर या हमारे आस्था के केंद्रों को ढाल बनाए, हाँ, और हम पर अटैक करें, हाँ, उस समय हमें कौन सा स्टैंड लेना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए। उस सेंस में वो कहते हैं कि कोई दुश्मन गाय को मार रहा है और अपने को धमकी दे कि गाय को मार दूंगा और हम हथियार छोड़ दे, सरेंडर कर, नहीं, गाय को बचाना है। ये उसके आगे का सेंस था जिसको शांति धारीवाल जी ने नहीं पढ़ा। और कहीं ना कहीं लगता है कि भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा के इस राष्ट्र में हिंसा, हाँ, की शांतिलाल धारीवाल जी जो बात कर रहे हैं वो गलत है। हाँ। और दूसरी बात ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ, कि गो कशी को प्रोत्साहन देने वाला कोई विधेयक लाने वाली है, उसकी पूर्व संकेत दे रहे हैं शांति धारीवाल जी। हाँ। मैं पूछना चाहता हूँ, इतिहास में कहीं पर भी आप राष्ट्रीय आंदोलन देखिए तो उसमें भी गो रक्षा समितियां बनी थी, और हमारे देश में गो रक्षा समितियों के नाम पर भारत का नागरिक एक हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ में। तो राष्ट्रीय आंदोलन में भी गो रक्षा समितियों का बहुत बड़ा महत्व था। और शांति धारीवाल जी, हो सकता है कि कहीं ये गो कशी करने जो खंडेलवाल साहब, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात समझ गया कि हो सकता है कि शांति धारीवाल ने पूरी बात को कोट ना किया हो जानबूझकर, किसी इरादे वश इस बात को कोट करके एक मैसेज देने की कोशिश की। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे भी कि आखिर गाय की रक्षा मौजूदा सिस्टम में कौन करता है? शांति धारीवाल जी ने नहीं, सर खंडेलवाल साहब, गाय की रक्षा मौजूदा सिस्टम में कौन करता है, कौन सी पार्टी? मैं बता दो, या तो गो, सुनिए सवाल सुनिए, मौजूदा सिस्टम में गाय की रक्षा कौन करता है, कौन सी पार्टी करती है, सर मेरा सवाल, हम सब नागरिकों का है। हाँ। गोयल साहब, ये मेरा सवाल आपसे भी होगा, हर नागरिक करता है, ठीक है, गोयल साहब ये सवाल मेरा भी आपसे होगा, क्या बीजेपी गाय की रक्षा करती है? करता है और करना ही चाहिए। क्या बीजेपी गाय की रक्षा करती है सर? अभी जैसे गहलोत सरकार ने जो, देखिए मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं संजय, हाँ, भाई मैं आऊंगा, टोडिया साहब आऊंगा, अजय जी आपके पास आऊंगा, एक कर्तव्य है जो, हाँ, भारत को, भारत की संस्कृति को, जो भारत को और भारत की संस्कृति को समझता है वो गाय के महत्व को समझता है। सर एक बात, मैंने एक बात और बोली है कि धारीवाल साहब और जब मैं दुनिया को छोड़ के जाएंगे, मैं समझ गया सर, छोड़िए, हमारी जो पीढ़ी है अमित गोयल साहब, हम हिंदू हैं, गाय का अपमान करने का प्रयास मत कीजिए, आप भी हिंदू हैं, गाय की सेवा हम करते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय का दूध पीते हैं, गाय का तमाम इस्तेमाल किया जाता है, हम उसको पूजनीय मानते हैं। सर आपकी आपकी संस्था, आपकी पार्टी, आपके तमाम जो छोटे छोटे संगठन, वो सभी गाय की रक्षा करते हैं, लेकिन ये बातें सर नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं लागू होती जहां पर आपकी सरकारें हैं? वहां पर आपकी सरकारें, आपकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया जाता, वहां पर चीजें बदल जाती हैं। सवाल वही तो आ गया ना जो धारीवाल साहब ने कहा कि सावरकर के वक्त में कुछ और था, बाद में स्थिति बदलती गई, वही हाल है कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ और है और उत्तर के इलाकों में कुछ और है जहां पर आपकी सरकारें हैं। क्यों ऐसा होता है? हर जगह कह रही है इस बात को लागू। असम में किसी ने कोई बयान दिया इस तरीके का कि गाय नहीं काटी जानी चाहिए, गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए? बताइए, गोवा में किसी ने कहा? संजय, दूसरे राज्यों में जहां पर आपकी सरकार है, किसी ने कहा कुछ? संजय भाई, संजय भाई, मैं आपको कुछ बात बता दूं, बोल दूं? हाँ, बोलिए सर, बोल चुके। मेरा कहना है ये भारत जो देश है इसमें बहुत सारी संस्कृतियों का संगम है, है ना, इसमें बहुत अलग अलग धार्मिक मान्यताओं, पंथ को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह की उनकी मान्यताएं हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट है, आज राजस्थान है, आज मध्य प्रदेश है, गोयल साहब भी अलग अलग, गोयल साहब, गोयल साहब, ये बात तो राजस्थान में लागू होती है सर, ये बात तो राजस्थान में लागू होती है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर जाइए तो पंजाबियों का गढ़, मैं कह रहा हूँ अलवर साइड आइए तो अल्पसंख्यक समुदाय का गढ़, इधर आइए भरतपुर साइड तो सारी जितने वो भगवान कृष्ण के भक्त, ये बात तो नॉर्थ ईस्ट मत देखिए सर, सिर्फ राजस्थान में देखिए, यही पर सारा संगम मिल जाएगा। जो आप दूसरों को जगह कह रहे हैं एग्जांपल करके कोट करना चाहते हैं, वो तो पूरे राजस्थान में है, हर प्रदेश, मैं कह रहा हूँ विभिन्न संस्कृतियों से मिलके भारत बनाए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ये आर्गुमेंट का विषय नहीं है, समझने का विषय है सर। और हर हर जगह पर जैसे हमारा क्षेत्रपाल होता है, जाता है क्षेत्र का देवता है, ठीक है सर, इसी तरह हर हर जगह की अलग अलग मान्यता है सर, समझ गए, ट्रेडिशन चले आ रहे हैं, समझ गए, यही तो हम समझना चाहते हैं कि फिर शांति धारीवाल के बातों से लोगों को चोट पहुंच रही तो किस आधार पर पहुंच रही है? अगर वाकई में सभी धर्मों के साथ, सभी समुदाय के साथ एक तरीके से न्याय होना चाहिए। अजय जी, मैं ओम सैनी साहब आपके पास आऊंगा, मैं चाहूंगा आप अमित गोयल साहब का जवाब दे, लेकिन उसके पहले अजय जी मैं आपके पास आऊंगा, यही सवाल पूछूंगा, आरएसएस के ऊपर कभी ऐसा आरोप नहीं लगा कि आरएसएस किसी भी तरीके से राजनीति करती है? जो उसका नजरिया होता है सीधा सपाट सटीक होता है,
लेकिन जब शांति धारीवाल के बयान के नजरिए पर बीजेपी ये कहती है कि पूरे देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलियां सबका सम्मान किया जाता है, फिर वो बातें अलग हो जाती हैं कि यहां पर इस तरीके के नियम लागू किए जाए, वहां पर आपकी सरकार है वहां पर क्यों नहीं लागू किए जाए। फिर किसके बात हम माने, सावरकर साहब की बात को माने, आपकी बात को माने, जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसको सही कहें या जो कांग्रेस कह रही है उसको सही कहें। ये कॉन्ट्राडिक्टरी होना भारतीय जनता पार्टी का नहीं। सैनी साहब मैं आपके पास आऊंगा, सैनी साहब ये जवाब आपसे नहीं, इसको समझिए सैनी साहब, ये आपसे जवाब दो। अजय जी सवाल का जवाब आप क्योंकि आरएसएस से हैं, बहुत बड़ा देश है इसको समझना पड़ेगा आरएसएस से आप। अजय जी इस सवाल का जवाब, ये कॉन्ट्राडिक्शन जो ये चारों दिशाओं के हिसाब से अलग कानून बन जाते हैं, इसको किसको माना जाए, कौन माने इसको, किस बात को लेकर सोचा जाए कि ये सही है गलत है। ठीक है संजय जी, मैंने आपका सवाल सुन लिया, मेरा जवाब सुन लिया। हम संघ वाले बहुत स्पष्ट विचारधारा के हैं और चाहे पार्टी किसी की भी आए, अगर गौ की रक्षा करनी है तो सब पार्टियों से और हर सरकार से हमारी यही अपेक्षा उम्मीद होती है कि हर सरकार गौ रक्षा का कानून लेकर के आए। जहां जहां अगर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं तो उसको ये मत मानिए कि वो हमारे लोग हैं। जो ठीक है किसी विचारधारा को जो कोई फॉलो करते हैं तो हमने उसका साथ दे दिया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले सारे लोग और एकदम ही हिंदुत्ववादी है या उसी रूप से कोई चलने वाले लोग होंगे। लेकिन हमारा स्पष्ट नजरिया है कि देश में कोई भी सरकार आए कहीं पर भी आए और वो वहां पर अगर भारतीय गौ रक्षा के लिए अगर वो कानून नहीं लाती है तो वहां हमारा विरोध जारी रहेगा। तो सर ये बताइए ना, आरएसएस की आरएसएस तो धरातल पर किसी भी हिस्से में, मुझे नहीं लगता देश के किसी कोने में आरएसएस की शाखाएं नहीं है जहां पर जाकर आम जनता के भलाई के लिए काम ना करती हो, तो फिर उन इलाकों में क्यों नहीं ऐसा होता कि वहां पर जाकर गाय हत्या, जहां पर जैसे केरल का एग्जांपल अमित जी ने दिया, तो मैं असम की अगर बात पूछता तो बात घुमा देते हैं। असम में भी वही हालात है, गोवा में पिछले मनोहर परिकर साहब ने खुद कहा था कि भाई यहां पर बंद नहीं किया जाएगा। बात समझ गया बीफ, तो क्यों आखिर ऐसी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन आप इस बात को समझे, सुनिए संजय जी सुनिए, आप इस बात को समझिए, ऐसा कोई भी आज भारत का प्रांत नहीं है जहां शाखा नहीं लगती और वहां पे गौ रक्षा के लिए हम लोगों ने कोई दल नहीं बनाया या उनके विचार का हमारे पास लोग नहीं भी है। ठीक है, जिस राज्य में हमारे पास जितनी शक्ति है और जितना हम विचार वहां पर रख सकते हैं, जितना हम प्रतिरोध जानते हैं, यूडीएफ और कंक्लूजन के तौर पर आपका जवाब चाहूंगा, गोयल साहब के बात का, अजय जी के बात का और खंडेलवाल साहब के बात का कंक्लूजन के तौर पर जवाब, फाइनल कमेंट। देखिए कुल मिलाकर के हिंदू धर्म बड़ा साइंटिफिक है। हिंदू धर्म कतई आडंबरों में और ऑर्थोडॉक्सी में विश्वास नहीं करता, उसके आधार है वेद और क्या कहते हैं उपनिषद, पुराण जो रचे हैं वो बड़े कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। प्रोफेसर काणे इसको बड़े अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश करते हैं और अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़ लेंगे, लेकिन साथ साथ में संघ का ये कहना कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है तो गो रक्षा के लिए हम हर जगह वो करते हैं, ये भी अब बात समझ में नहीं आती है कि इस जमाने में जब गायें मर रही हैं, भूख से मर रही हैं, उनको कोई पालने वाला नहीं है, उनका पालन पोषण करने के लिए हर राज्य ने रीति बना रखी है और ये स्वीकार किया जा रहा है कि जैसे रिजिजू जो इनके गृह मंत्री हुआ करते थे पहले, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं। किरण रिजिजू, मनोहर परिकर साहब जो कि अब नहीं रहे, उनका भी बयान सबको याद है, अलग बात है। इसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ शांति धारीवाल जो बोल रहे थे, उनको इस आस्था के सवाल से अपने आप को अलग रखना चाहिए था क्योंकि डिबेट विधानसभा में नहीं हो सकता। बिल्कुल सही, माफ करिएगा अजय जी, मैं समय खत्म हो गया, माफ करिएगा वरना मैं आपके पास आता, मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन दिन भर छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। ठीक है जल्दी, बार बार गाय को बीफ से जोड़ रहे, बार बार गाय को बीफ से जोड़ रहे, ये ठीक नहीं है। बीफ एक अलग शब्द है, गाय का गोमांस एक अलग शब्द है। सर बीफ छोड़िए सर, जहां पर बहुत हत्या होती है, जहां पर स्लॉटर हाउस रवि परिकर ने बीफ के नारे ये कहती है कि गाय के गोमांस स्लॉटर हाउस बंद नहीं किए जाएंगे, वहां पर बीजेपी की सरकार होने के बावजूद क्यों नहीं वहां पर कदम उठाया जाता, क्या सिर्फ राजनीति के लिए ऐसा किया जाता, ये सवाल तो बनेगा ना सर। दिन भर जो जनता सर ने सवाल पूछा एक बार आपको बताते हैं सर, माफ करिएगा समय खत्म हो गया, सबको रोकूंगा, क्या शांति धारीवाल के बयान से हिंदुओं की आस्था को चोट नहीं पहुंची है? ये हमने सवाल पूछा था क्योंकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये आस्था से जुड़ता हुआ सवाल है। 70% लोगों ने कहा था कि बिल्कुल शांति धारीवाल को इस तरीके से बात को नहीं रखना चाहिए था, 30% लोगों ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कह रहे हैं वो सही है। आप सभी का शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए आप जिस तरीके से सवाल जवाब हो रहे थे, समझ में आता है कि जो आरोप लगाए जाते हैं बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस आरएसएस के ऊपर, वो क्या है ये आम जनता तय करे, लेकिन साफ तौर पर सावरकर ने कुछ कहा था जिसको लेकर बीजेपी और आरएसएस के बीच में कांग्रेस कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करने की कोशिश कर रही है। और सवाल ये कि जब यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है तो वाकई में उनकी आस्थाओं का ख्याल रखना चाहिए।
ठीक है, समाज का एक स्वरूप होता है, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे, सबकी आस्था का ख्याल रखा जाता है, सबकी भावनाओं का ख्याल रखा जाता है, लेकिन क्या वाकई में सदन के भीतर जहाँ से आवाज निकलती है, पूरे प्रदेश में जाती है, पूरे देश में जाती है, वहाँ पर इस तरीके की बात को रखकर किसी एक विशेष समुदाय की आस्था को चोट करना ये कितना जायज है? इसी को लेकर अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि सावरकर साहब और बीजेपी के बीच में क्या था, सावरकर साहब और संघ के बीच में हिंदुत्व को लेकर किस तरीके से एक चीजें थी या अलग अलग चीजें थी, ये पढ़ने के बाद साफ होता है। लेकिन आम जनता के बीच में मंत्री अगर कोई बात रखते हैं तो उसका मैसेज बिना पढ़े ही जाता है, वो गलत जाएगा, सही होगा, मंत्रियों को ये सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। फिलहाल इस चर्चा में